क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसका पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जिसके आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, भूमि है, मिट्टी है, पताल, और इसके बाद क्या पाताल, और इनमें से कोई नहीं। सो फाइनल द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन भूमि। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, भूमि है, सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बट क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि करबक जो है किसकी रचना है, करबक ये जो है रचना है किसकी है। ऑप्शन जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है क्या है, तो वो करबक है। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको रिपीट करके याद कर लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर थ्री करा है कि कमजोर, सॉरी कमजोर नहीं है, यहाँ पे कामचोर जो है कौन सा समास है, कामचोर जो है वो कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे आप सभी को, दिया हुआ आपके सामने में, तो देखिए यहाँ पे चार में से राइट ऑप्शन का पता है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। क्या है, कामचोर जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर करा है, क्या करा है, ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सी है इनमें से। देख पा रहे जैसे कि आप लोग ऑप्शन अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन उर्वशी। उर्वशी जो है, जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन है, वो उर्वशी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फाइव देख पा रहा हूँ क्या कह रहा है, आजकल ये जो कौन सा समास है, आजकल कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन फाइव का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अविभाव, अविभाव समास, ये जो आजकल है ये कौन सा समास है, अविभाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या करा है, करा है कि हार जीत, ये जो हार जीत है कविता वो किस कविता संग्रह से ली गई है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। देख पा रहे होंगे ऑप्शन आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सिक्स का ए हो जाएगा, यानी कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये जो हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वहीं। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन करा है, क्या करा है, उद्घाटन, ये जो उद्घाटन है इसका संधि विच्छेद आप लोगों को करना है। तो देखिए संधि विच्छेद करने के बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोगों को चुनना है। तो फाइनल यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सेवन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी उत्जोर घाटन। देख लीजिए अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्जोर घाटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन एट क्या कह रहा है कि रंगून, रंगून जो है ये जो कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, जापान, चीन। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन वर्मा। रंगून जो वो कहाँ पे है, वो वर्मा पे है, वर्मा में है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मिक, आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मिक। आगे क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है कि मालती के पति का नाम है, मालती है इसके पति का नाम क्या है, देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो दस का फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है बातचीत शीर्षक के रचनाकार है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे तो। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन बालकृष्ण भट्ट, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट, ये जो है बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। आगे क्वेश्चन नंबर बारह करा है उषा, उषा जो है शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, देखिए अगर पढ़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह, क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तेरह कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो है शीर्षक के रचनाकार है, अर्धनारीश्वर ये आपको चैप्टर का नाम है एक, और इनमें से पता होगा सभी को अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन रामधारी सिंह दिनकर, ये जो है अर्धनारीश्वर के रचयिता है, यानी शीर्ष के रचनाकार है शीर्षक के, तो ये ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर के रचनाकार जो है यानी शीर्षक के रचनाकार कौन है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या करा है, प्रेम के पीर के कविता कौन है, प्रेम के पीर के कविता कौन है, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा चार में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जायसी, प्रेम के पीर की कविता कौन है, तो जायसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, देख पा लोगे रोज, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, देखिए ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए ऑप्शन है,
तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी आगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, इनमें कौन सी रचना जो प्रसाद जी की नहीं है, इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। देखिए ऑप्शन, सो 16 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर पढ़े होंगे तो पता होगा सभी को, तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए यानी देवदासी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देवदासी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और 17 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, फिर मैं ऊपर दिखा देता हूँ। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, दी पंडित, पंडित होगा यहाँ पे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है, गुलेरी की कहानी का नाम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सत्या का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसने कहा था, उसने कहा था, यह किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 18 का राइट ऑप्शन फाइनल विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन कंस पर, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, तो कंस पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो फाइनल राइट ऑप्शन आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो 19 का राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो वो रचनाकार है, कहाँ के है, वो बिहार के रहने वाले थे, यानी बिहार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा, कह रहा है कि तुलसीदास अपना पेट जो है कैसे भरते थे, तुलसीदास जो अपना पेट वो कैसे भरते थे, देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, तो 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी कथा वाचन से, क्या देखो ऑप्शन नंबर बी कथा वाचन से। आगे क्वेश्चन नंबर 21 करा, क्या करा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, देखिए ऑप्शन ध्यान से यहाँ पे, तो फाइनल 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जे कृष्ण मूर्ति, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जे कृष्ण मूर्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन उसके बाद 22 करा है कि गाँव का घर, गाँव का घर कविता के कवि है, गाँव का घर जो है इस कविता के कवि कहना है, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग, तो 22 का फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्र पति, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र पति। गाँव का घर कविता के रचनाकार क्या है, कौन है कवि, तो ज्ञानेंद्र पति ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 क्या कराया, करा कि ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा जो शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, ओ सदा नीरा शीर्षक जो है काफ़ी फेमस है, देख पाएंगे आप सब, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाइनल 23 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी, ठीक है, वो सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, तो महात्मा गांधी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। 23 का क्या होगा, फाइनल ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, देखिए ऑप्शन को, 24 का क्या होगा, चार से राइट ऑप्शन की बात करें तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी सूरदास, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सूरदास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 करा है जूठन, देखिए यहाँ पे जूठन जो शीर्षक की विधा क्या है, जूठन शीर्षक की विधा क्या है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं, सो फाइनल 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगी, ठीक है, आत्मकथा, जूठन शीर्षक की विधा जो क्या है वो आत्मकथा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। क्वेश्चन 26 करा है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, सो 26 का क्या होगा, 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कामयानी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कामायानी, कामायानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 27 की तरफ, क्वेश्चन में 27 कराए कि निम्नलिखित मैं जो है कौन अगे का उपन्यास नहीं है, ऑप्शन को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 27 का यहाँ पे डी हो जाएगी, यानी त्रिवेणी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी त्रिवेणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कराए कि मुक्ति बोध जो है, मुक्ति बोध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, सॉरी हुआ था पूछ रहा है, बट आप लोग को यहाँ पे कमेंट से यूज करना है कहाँ पे हुआ था, देखिए भाई चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी सियोपुर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सियोपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 करा है कि मालती, मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है, मालती वो जो है किस शीर्षक की पात्रा है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, सो क्या हो जाएगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 करा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, देखिए कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, महामारी, फांसी, गोली या फिर कार दुर्घटना, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी यानी कार दुर्घटना। नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज आस्किंग टू यू दैट राजनीश,
सॉरी रजनीश का संधि विच्छेद है, रजनीश जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, तो अगर पता है तो बता सकते हैं। फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी रजनीज और ईस, रजनीज और ईस। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है पावन, पावन जो है इसका संधि विच्छेद है, पावन इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी पौज और अन, पौज और अन ये जो है पावन का संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्कार का संधि विच्छेद है, सत्कार, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, सत्कार पूछ रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो सोचिए क्या हो जाएगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 33 से क्या होगा? बी हो जाएगी, यानी सत्य जोर कार, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सत्य जोर कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विद्यालय, विद्यालय जो इसका संधि विच्छेद करें, यानी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन होगा, आप लोग अच्छी तरह से अगर अध्ययन किए होंगे ग्रामर का भी तो। सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विद्याजोर आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याजोर आलय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा क्या कि दिनेश का संधि विच्छेद है, दिनेश जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सो फाइनल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आप सभी को, तो 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिन जोर ईस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिन जोर ईस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 36 करा क्या करा देख पा रहे करा कि आगमन, आगमन में जो कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? सो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आ, आगमन जो है कौन सा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आ जो है उपसर्ग है। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा पड़ती है, पूर्णिमा में जो है कौन सा पड़ती है? देखिए फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा चारों में से, तो 37 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पूर्णिमा जो ईमा जो है वो क्या है पड़ती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला नहीं होगा, ये ए वाला होगा। ठीक है, ईमा पूर्णिमा में जो कौन सा पड़ती है, तो ईमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जलज, सॉरी जलज जो है कौन सा समास है, जलज कौन सा समास है? 38 में क्या हो जाएगा चारों में से, ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्मधारय, कर्मधारय समास ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 कह रहा है कि देवालय, देवालय जो कौन सा समास है, देवालय ये कौन सा समास है? ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका समास जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, देवालय कौन सा समास है? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 40 करा लंबोदर, ये जो कौन सा समास है, तो लंबोदर कौन सा समास है पता होगा सभी को, तो समास का आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो 40 का फाइनल राइट ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुव्रीहि समास, क्या कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलाइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, करा कि रात दिन कौन सा समास है, रात दिन जो है कौन सा समास है? देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, द्विंद समास है, कौन सा है? द्विंद समास है रात दिन। ठीक है, जब भी इस सब चीज में डैश आ जाए अंदर में, तो उसमें द्विंद समास अक्सर होते हैं वो। ठीक है, जैसे माता पिता, रात दिन, तो इस तरह की चीज़ में हम द्विंद समास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन जो कौन सा समास है? देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, सो 42 का क्या होगा? चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अविभाव समास, क्या होगा? अविभाव समास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आग, आग जो इसका पर्यायवाची शब्द है, काफ़ी जो क्वेश्चन होगा आप सभी को लिए। सो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन अग्नि। 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ईश्वर जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र या शंकर। सो 44 का फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी दे ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन परमात्मा, ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? परमात्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 कह रहा है कि अंधकार, अंधकार का विलोम है, अंधकार जो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से, सो 45 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। ठीक है, अंधकार का प्रकाश होता है विलोम। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है क्या कर रहा है, अधे, अधे जो इसका विलोम क्या होगा, अधे का विलोम क्या होगा? सो 46 का देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे, तो अधे का विलोम जो होगा सदै, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, सदै। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ, 46 के 47 क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर आ चुके देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि गौरा का विलोम जो है, गौरा का विलोम है, यानी इनमें से कौन सा गौरा का विलोम है? देखिए ध्यान से 47 का क्या हो जाएगा, सो चार ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे कि आप लोग, तो राइट ऑप्शन फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन काला, गोरा यहाँ पे होगा, गोरा नहीं है, गोरा का विलोम जो है वो काला। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि डंडरा, डंडरा का विलोम होगा, ठीक है, सॉरी ठंडा का विलोम होगा। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है कि ठंडा का विलोम यहाँ पे कौन सा है? देखिए यहाँ पे ध्यान से चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे,
तो ठंडा का विलोम क्या होगा पता होगा सभी को, ठंडा का गर्म होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा ठीक है। 48 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 49 कर रहा है कि दिवाकर, दिवाकर इसका विलोम क्या होगा, तो दिवाकर का क्या विलोम होगा देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 49 का फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ठीक है, दिवाकर का निशाकर। चलो क्वेश्चन 50 कर रहा है कि साधारण, साधारण का विपरीत अर्थक जो शब्द है वो कौन सा है, साधारण का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है इनमें से, देखिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन को। तो 50 का फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी असाधारण, क्या होगा असाधारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 51 कर रहा है कि जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण जो अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 51 का देखिए आप लोग ऑप्शन को। तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर बी यानी सदाचारी, क्या हो जाएगा उसको उसका एक शब्द सदाचारी। उस समय 52 कह रहा है जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम लोग, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो 52 का देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो फाइनल राइट ऑप्शन नंबर विल बी द ऑप्शन नंबर ए दैट्स मीन निर्धन ठीक है। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि घोड़ा, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये काफ़ी फेमस है आप सभी को पता होगा घोड़ा बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट ऑप्शन फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन बी द ए दैट्स मीन गहरी नींद में सोना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि चैन की वंशी बजाना, चैन की वंशी बजाना मुहावरे का, मुहावरा का अर्थ है, चैन की वंशी बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो देखिए 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी आराम से रहना ठीक है। चैन की वंशी बजाना मुहावरा का अर्थ जो है वो क्या है ऑप्शन नंबर डी आराम से रहना। चलो क्वेश्चन है 55 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए 55 का क्या हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि हाथ पाँव मारना मुहावरे, ये भी काफ़ी फेमस है पता हो सभी को, हाथ पाँव मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 56 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी प्रयास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है, ये भी काफ़ी फेमस है पता आप सभी को होगा। 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी तेज दौड़ना, हवा से बात करना क्या हो जाएगा तेज दौड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है क्या कह रहा है कि धर्म का विशेषण, धर्म जो है इसका विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए अभी फाइनल क्या हो जाएगा चार में से राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन 48 का सॉरी 58 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जाएगा यानी धार्मिक, धर्म का विशेषण क्या होगा धार्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय का विशेषण है, राष्ट्रीय का विशेषण जो है वो क्या है, देखिए ध्यान से चार ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। सो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 49 का यहाँ पे राइट ऑप्शन फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सॉरी 59 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा राष्ट्रीय हो जाएगा ठीक है। वो समय 60 कराया क्या है चरित्र का विशेषण क्या है, चरित्र जो इसका विशेषण क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 60 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चरित्रिक, चरित्र का विशेषण क्या होगा चारित्रिक हो जाएगा, चारित्रिक ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ से हम लोग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये बेनिफिट मिल सके। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब